Yes, students, today we will start with the new unit, that is unit 5, length. So in this chapter, you will came to know that how to find the length of any item. किसी भी आर्टिकल की लेंथ कैसे निकालनी है वो आज आप इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बेटा मेरे पास ये एक स्केल है और इस स्केल की जो लेंथ है वो है अप टू 30 सेंटीमीटर। तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो छोटा वाला स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, यहां तक 15, ठीक है। तो वो वाला स्केल और ये वाला स्केल सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसकी लेंथ बड़ी है, ये 30 तक है और आपके पास जो है वो 15 तक है। ओके, सो एक बारी हम देखते हैं इसको, स्केल को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको स्केल का यूज करना आ गया, आपको समझ में आ गया, फिर तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स, यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक। ओके, तो देखिए यहां पर मेरे पास जो स्केल है, मैं कोई दो नंबर ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 और 7। 6 और 7 के बीच में बेटे जो लाइंस आपको दिख रही हैं, वैसे तो आपको हर नंबर के बीच में लाइंस दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं 6 और 7 की बात करूं, कोई भी दो नंबर ले लो, 7, 8 ले लो, कोई भी ले लो, इसके बीच में जो लाइंस है इसको काउंट कीजिए कितनी है। तो अपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से बेटे स्केल निकालेंगे सभी के सभी, ठीक है। स्केल निकालिए और अपने अपने स्केल पे देखिए कि एक नंबर से जब हम दूसरे नंबर पे मूव करते हैं तो बीच में जो ब्रीक लाइंस आएंगी, जो पतली पतली लाइंस है, ये कितनी है, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करोगे तो कितनी मिलेंगी आपको, ये देखिए, एक ये जो बड़ी वाली लाइन है, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, ओके, यहां से मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटे। ये 9 तक, ये जो बड़ी लाइन थी यहां तक मैंने काउंट किया, कितनी हो गई, ये 10 हो गई। सो दैट मीन्स कि इस स्केल में जो ब्रीक ब्रीक लाइंस आपको दिख रही हैं, ये कितनी है, टोटल 10। अगर ये टोटल 10 है, इट मीन्स कि जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, 10 तो होगा, लेकिन 10 के आगे यूनिट कौन सी लगेगी बेटा, यूनिट लगेगी मिलीमीटर, ठीक है। एक ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो बीच में ब्रीक ब्रीक लाइंस हैं, ये किसके इक्वल है, ये 10 मिलीमीटर के इक्वल है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये जो ब्रीक ब्रीक लाइंस आपको दिख रही हैं, इसको हम कहेंगे मिलीमीटर्स। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है ये, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक लाइंस है, यानी कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, बहुत ही माइनर सा डिस्टेंस है। अगर इन 10, ये जो 10 मिलीमीटर है, इसको मिला दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मैं बात करूं 5 सेंटीमीटर की, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो कैसे करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, ठीक। तो इसके बाद जो आपको मिलीमीटर में आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटे, 50, 10 5 जा 50। ओके, चलिए ये बात तो थी बेटा सेंटीमीटर और मिलीमीटर की। अब मेरे पास जो स्केल है वो 30 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये स्केल 100 सेंटीमीटर का होता, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का होता, तो मेरे पास क्या निकल के आता, जो यूनिट है वो क्या बनती, यहां पे 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर के इक्वल है, ये जो ब्रीक ब्रीक आपको लाइंस दिख रही हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्केल मेरे पास 100 सेंटीमीटर का होता, तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट आती बेटा, जिसको हम कहते हैं मीटर। 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के इक्वल हो जाता है। अब हमने 1 मीटर के इक्वल क्यों करा इसको, क्यों हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट बोला, क्योंकि जो बेटा हमारी डेली लाइफ है, डेली लाइफ में हमारी जो डीलिंग होती है वो मीटर में होती है, ठीक है। जब भी हम कुछ मार्केट में सामान लेते हैं, मैक्सिमम जो है सामान वो आपका मीटर में ही आएगा। कोई आर्टिकल खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉप पे जाते हो अपनी मम्मी या पापा के साथ और वो एक कपड़ा खरीदते हैं, तो जो शॉपकीपर आपने सुना होगा वो पूछते हैं कितना मीटर कपड़ा चाहिए, है ना, वो ये तो नहीं कहेंगे कितना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, वो पूछेंगे कितना मीटर कपड़ा चाहिए। दैट मीन्स कि वो हमारे डेली लाइफ में ज्यादातर यूज हो रहा है, मैक्सिमम टाइम वो यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो यूनिट है वो क्या बन गई है, स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ में बहुत बार यूज हो रहा है, इसीलिए हमारी जो डीलिंग है वो मीटर में है,
ज्यादातर, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की, वो कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर, METRE, ओके। इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो है मीटर, किसकी? लेंथ की। तो आई होप इट आपको क्लियर है। अगर एक एक एग्जांपल मैं और ले लेती हूं। ये तो थी बात 100 सेंटीमीटर की। अगर 500 सेंटीमीटर हो तो उसमें कितने मीटर हो जाएंगे? अब आपको पता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, है ना? तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, इट बिकम 5 मीटर। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे मीटर, और लेकिन हमें गिवन कितना है, 500 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 100 को, इधर देखिए, इस वाले 100 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास, 5। तो ये आ गया 5। इट मींस कि 500 सेंटीमीटर में हमारे पास 5 मीटर होते हैं, ठीक है। तो बेटे आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक आपको ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, और आपको ये पता चल गया कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, और ये सारा जो है हमारा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा है। और एक एग्जांपल मैं और बता देती हूँ। जैसे अगर मार्केट में पाइप खरीदने जाते हो, जो वाटर वाली पाइप होती है, पानी वाली, तो वो भी मीटर में ही खरीदी जाती है। अगर आपको घर में किसी रस्सी की जरूरत पड़ रही है, रोप की, ठीक है, अगर रस्सी खरीदने जा रहे हो तो वो भी कैसे होगी, वो भी मीटर में ही हम नापेंगे, ठीक है ना, उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में ही। सो दैट्स वाई मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। सो आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सो नाउ स्टार्ट, शुड वी स्टार्ट विद द वर्कशीट। अब हम अपनी वर्कशीट पे आते हैं।